हेलो गाइस, तो ये व्लॉग है इस बारे में कि हम रात को ऐसे ही बैठे थे हम तीन दोस्त, और फिर अचानक से एक सेकंड के अंदर ये मूड में आया कि चलो यार मौसम अच्छा है, उत्तराखंड चलते हैं घूमने। तो हम उत्तराखंड के लिए निकल गए बस पकड़ के, ऐसे ही रैंडमली, सिर्फ एक बैग उठाया और एक पर्स लिया, ठीक है, और बस फिर पहुंच गए बस पकड़ के, और सीधा फिर हम उतरे सीधा देहरादून। और देहरादून उतरते ही सबसे पहले गए बुद्धा टेम्पल लिफ्ट मांगते मांगते। ब्लॉक को आगे बढ़ाते हैं। यस कहाँ पे हम कहाँ पे हम है बुद्धा टेम्पल, दिखाओ, शो करो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो बढ़िया हो? तो आज हम आए हैं बुद्धा टेम्पल देखने। हम यहाँ तक लिफ्ट मांग के आए हैं, तो अब देखो बुद्धा टेम्पल ये रहा मेरे फैलन पीछे, नहीं ज्यादा फैलन ये सौरभ कुत्ता पीछे। बोल रहा था कि तो दस रुपए अभी दे के जा। कंटिन्यू करते हैं, ज्यादा फैल देंगे नहीं अभी। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बुद्धा टेम्पल, मैं, गुरुदत्त और गौरव। यस अबे इधर दिखा ना। बाद हम लोग खाना खाने आ चुके हैं यहाँ पे, रेस्टोरेंट से होगा। हाँ तो गाइस, अब देहरादून से निकलने का समय आ गया है और मसूरी के लिए हम डिपार्चर कर रहे हैं यहाँ से। तो इसी के लिए हम बस में बैठ रहे हैं, मसूरी की बस अभी पूरी खाली पड़ी हुई है। सबसे पहले मैंने ही टिकट लिया है। देहरादून में ISBT के अलावा जो बस स्टैंड होता है वहाँ से मसूरी की बस जाती है, मतलब मसूरी का भी एक स्पेशली बस स्टैंड है देहरादून में, तो वहीं से ही बस पकड़नी होती है। तो हम यहाँ से सीधा गुरुद्वारे से आए हैं और सीधा मसूरी जाएंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं मसूरी में।
सौरभ, सौरभ यहाँ पे आना, सौरभ इधर आना, थोड़ा कुछ इंस्ट्रक्शन देना यहाँ पे क्या चल रहा है ब्लॉग में। बहुत मजा आ रहा है। हाँ, और अभी मैं पता नहीं कहाँ पर है। अच्छा, दबा कर पूरी खाए। और अभी गौरव नीचे फेंकने का प्लान है हमारा, उसको यहीं से ही देहरादून फेंकने का प्लान है, और यहाँ से दिल्ली फेंकेंगे। अच्छा, दिल्ली बहुत सारा पावर है। काट वाट में मेरे भाई, आपने पाल तक मूड होले, वो बड़ा मूड होले, बड़ा मूड होले। और हम अब हम लोग जा रहे हैं भाटा फॉल। ये गौरव, ये गुरुदत्त, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी एक भी इंसान यहाँ पर नहीं पाया जाएगा, कोई भी जानवर नहीं, कोई भी नहीं, बस हम तीन दोस्त भाटा फॉल के लिए। और ये वर्ल्ड का बेस्ट अब तक का व्यू है, मज़ेदार। गुरुदत्त, ये किसकी याद दिलाती है? ये ना एक मूवी देखी थी, सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिट्टी, जिसमें भाई उसको पता नहीं होता कहाँ जा रहा है, बस जा रहा है, दुनिया लेके जा रही है। और पता नहीं, मैं ना इस समय ना हजारों लोग होंगे, लेकिन इस जगह पे ना हम तीन लोग हैं, इस जगह के 10 किलोमीटर के दायरे में, सच बता रहा हूँ, जिस वे से हम आए हैं, किसी को पता ही नहीं है कि ये जगह भी है। खराब कर दिया, खराब कर दिया। हेलो गुरुदत्त, हाउ आर यू? हेलीकॉप्टर नहीं है वो। ट्रैक नंबर 2, नीचे गाइस, ये जो हम कैंपस दिखा रहे हैं, ये कैंपस एक शूटिंग के दौरान यूज हो चुका है,
जो कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी थी, उसमें यूज हो चुका है। गौरव इस जगह को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा यार। बारिश हो रही है वहाँ।